वेगस नर्व। इंग्लिश में जब बोला जाए तो ये बात उतने दूर तक नहीं जाती है जितना दूसरी भाषाओं में, जैसे संस्कृत में बोला जाए कुंडालिनी, कुंडालिनी जागरण, ये सारा कुछ वेगस नर्व के, वेगस नर्व से होता है। आप अगर देखें एक कुंडालिनी की तरह प्राण शक्ति आप में, आपकी भुजंगिनियों में जागृत रहती है, उसी जागृत अवस्था को लाइफ कहते हैं, उसी से अग्नि आती है। अग्नि है तो गति है, अग्नि है तो स्थिति है, अग्नि है तो विश्व है, और इसी अग्नि में विश्व भस्म हो जाएगा। ये नटराज की मूर्ति का आपको अभी अभी मैंने, जो नटराज शिव है उसकी मूर्ति का अभी अभी मैंने आपको मैसेज दिया। इसमें वेगस नर्व कहाँ आता है? वेगस नर्व उस कुंडालिनी की तरह है जिसको जब जागृत कर दिया जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो टिक पाएगी, सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एनर्जी चैनल्स हैं ये। तो आप अगर एनाटॉमिकली वेगस नर्व को देखें तो एनाटॉमिकली ब्रेन से लेके पेरिनियम तक, पेरिनियम क्या स्पॉट है? पेरिनियम आपके जेनाइटल ऑर्गन से एनस के बीच की जगह को पेरिनियम कहते हैं। ब्रेन से लेके पेरिनियम तक कोई एक नर्व है एनाटॉमिकली जिसको आप लोकेट कर पाए, वो वेगस नर्व है। और बीच में ही सभी ऑर्गन्स आते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो एक्सटेंशन है, सभी ऑर्गन्स इसके बीच में हैं। ऐसा कोई ऑर्गन मैं नहीं जानता हूं जहां पर वेगस नर्व का स्टिमुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है। किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछें कि जब पेशेंट हार्ट अटैक से आता है पहला चीज क्या ट्राई करते हैं, वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का ट्राई करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल साइंस, अगर मैं ये देखूं जो नॉलेज बाकियों के पास वेगस नर्व का है और कुंडालिनी शक्ति का और एनर्जीज का है, मॉडर्न मेडिसिन के पास बहुत कम नॉलेज है वेगस नर्व का, इसीलिए इतना फेमस नहीं है, इसीलिए लोगों को नहीं पता है। और हमारा फर्ज बनता है हम सबको, दुनिया को बताएं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, चाहे वो ब्रेन का एक्टिवेशन हो, डिप्रेशन से लेके आप नीचे आ जाइए, सलाइवेशन अगर कम है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, आंखों की रोशनी कम है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, कानों से कम सुनता है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, नाक से ठीक से आप सांस नहीं ले पाते हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, अगर नाक से आपको स्मेल नहीं मिल रहा है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, अगर साइनस ब्लॉक्ड है तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करिए, आपको जो हमेशा इनसेसेंट छींक आती है सुबह सुबह वो वेगल स्टिमुलेशन से आती है। और इंसान कहाँ फंसा है, मुझे तो 20 बार छींक आ गई, डॉक्टर के पास जाओ छींक बंद करनी है। हम कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ मेडिकल एडुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। वो पैथोलॉजिकल नहीं है 20 बार छींकना, लेकिन हम डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं कि मैं तो 20 बार छींकता हूँ, वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि बाकी लोग तो नहीं करते हैं। ये संभव है कि आप जिस रास्ते चल रहे हैं बाकी लोग नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि सब लोग वही करते हैं, सब लोग वैसे ही कुक्ड फूड खाते हैं, सब लोग वैसे ही। हाँ, एक आप योगी को देख लीजिए, वो आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी तरह वो सब नहीं करता है। तो वेगस नर्व की जागृति की स्थिति उस बंदे को फ्रॉम हेल्थ, फ्रॉम ये डिजीज टू हेल्थ लेके आने की ताकत रखती है। आप और नीचे आ जाइए, अगर आवाज ठीक नहीं है वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें, अगर
फेरिंजाइटिस है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें। अगर एसिडिटी है तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें। अगर इनडाइजेशन है तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें। लीवर अगर ठीक नहीं काम कर रहा है तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें। किडनी ठीक काम नहीं कर रही है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। इंटेस्टिन की मोटिलिटी कम है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। पीसीओडी है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। आप ऐसी कोई डिजीज मैं नहीं जानता हूं जिसमें वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है। और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के रास्ते बहुत सिंपल हैं। पहली चीज है, भारतीयता में आ जाइए और नमस्ते मुद्रा में आइए। आप बैलेंस करते हैं बॉडी को और वेगस नर्व को, जितना जोर से प्रेस करेंगे उतना जोर से वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट करेंगे। आप देखिए, इसीलिए जो ताली बजाते हैं ये वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो आप नस्या करते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो कान में आप जनेऊ पहनते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो आप कान ऐसे पकड़ते हैं और उठक बैठक करते हैं, जो मैंने कई बार कई वीडियोस बनाए हैं इस पे, वो वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप अगर ऐसे ऐसे धूप में करते हैं तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप अगर नाभि चिकित्सा करते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो ये बनाने की ज़रूरत है कि नाभि चिकित्सा है क्या। नाभि चिकित्सा अगर क्लॉकवाइज आप अगर नाभि को ये घुमाते हैं तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। पेरिनियम में आप अगर कोई फेदर से पेरिनियम में ये कर रहे हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप देखिए, और आप जो औरतें कान में छेद करती हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं। नाक में छेद करती हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं। हम ऐसा कोई भी चीज़ जो भी करते हैं, भारतीय कल्चर में हर कुछ वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की स्थिति होती है और इससे डिजीज के ठीक होने की गति बढ़ जाती है। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।